हुआ गया ना, जबकि सब पब्लिक मिलकर हम सरकार बना दिए हैं, तो उसको गरीब के देखना चाहिए, जिसको खाना नहीं मिलता है उसको खाना देना चाहिए। यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा है। क्या हुआ सर? टाइम कहाँ देता है, 5 मिनट आता है 5 मिनट में चला जाता है। मोहल्ले का मौका देगा पब्लिक के तब तो कोई बात बोलेगा। आप बोलिए ना, हम आए हैं। आप बोलिए, आपको बोलने के लिए ही है। बोलने के लिए है तो ये तो जब से हम देखे हैं तब से ऐसी रोड है। करीम करीम का 20 साल से होगा ऐसा रोड। 20 साल से? हाँ, तब क्या, तो दुर्घटना भी तो होती होगी इस तरीके। बहुत होता है। यहाँ पर 3 गाड़ी पलट गया था, उसको अगर सब पब्लिक मिलकर ऊपर किए गए ना, वो जो अभी काठ वाला गया है अगर उसको अगर 3 रात खाद जो हमें रखे हैं, फर्स्ट में अभी खटिया बिछा कर बैठे थे हम ही थे। ओहो, क्या नाम हुआ आपको? हमको नाम हुआ अशोक तोती। अच्छा, तो पिताजी के स्वर्गीय राम तोती। घर पड़ता है नहीं, माँ बसने के लिए जगह नहीं है तो हम लोग किनारे में आकर बस गए। अच्छा, आप लोग को बसने का बसने की भी जगह नहीं है तो सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही? कोई ध्यान नहीं देता है। कोई नेता लोग नहीं। वोट मांगने आएंगे? वोट के समय आता है तो कॉल जोड़ के ठड़ा हो जाता है, दो हमको हम वोट दो तो हमको हम दो। लेकिन इस बार क्या करेंगे? इस बार तो हमको मन करता है वोटे नहीं देंगे जब तक इतना दूर रोड नहीं बनेगा। वोट दीजिए, वोट आपका अधिकार है, लेकिन ऐसे लोगों को दीजिए जो आपके लिए काम करता हो। हमारे लिए अभी इस फिलहाल में हमारे लिए तो कोई नहीं कुछ किया है। कुष्ठ रोग से बीमारी भी है, नहीं घर मिला है, नहीं द्वार मिला है, नहीं जमीन मिला है, तो क्या आगन रहेगा, क्या चीज़ का। सर, ये सड़क की स्थिति जो कि कटरमाला से बेगूसराय का मुख्य पथ कहा जाता है इसको, ये कब से इस जीर्ण शीर्ण अवस्था में है? लगभग 10 साल से ऐसा परिस्थिति है। 10 साल पहले कुछ था सही, 10 साल से इसका परिस्थिति जर्जर हो गया है सर जी। अब रजौरा से इस्फा तक रोड बन रहा है, लेकिन इस्फा से लेके राजोपुर कटरमाला तक जाने में कब गाड़ी पलट जाएगी, मोटरसाइकिल पलट जाएगा, साइकिल पलट जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। हम सांसद जी से भी कहे, माननीय इधर जो हैं हमारे विधायक जी, उनसे भी कहे, लेकिन किस पार्टी से विधायक हैं? बखरी। और इधर है अमिताभ भूषण बेगूसराय से, लेकिन वो भी जरा सा भी नहीं सुने, ये नहीं हो रहा है। इससे तो परेशानी बढ़ी हुई है, बहुत परेशानी। कब लोग मर जाएगा इसका कोई ठिकाने नहीं है। एकदम जर्जर स्थिति बना हुआ है जी। हम लोग रोज जाते हैं, किसी तरह से जाते हैं, इतना कष्ट होता है, कोई ठिकाना नहीं। क्या करते हैं आप? हम NM है। NM में कहाँ पोस्टेड है? नाकोठी PS। नाकोठी में। तो ये सड़क आपका मेन रास्ता है? हाँ हाँ। तो आपको जाने आने में जब बारिश हो जाती है बहुत, तब क्या? बहुत ही बहुत पैदल जाते हैं, बहुत दूर पैदल चलते हैं, बहुत ही स्थिति खराब हो जाती है। घर कहाँ हुआ? मेरा कटरमाला घर हुआ। कटरमाला है तो यहाँ के जो विधायक हैं कौन है? उपेंद्र पासवान। किस पार्टी से आते हैं? जदयू के हैं सर। जदयू के? जदयू से टिकट मिला था। अच्छा, तो ये उन लोग को कभी बताते नहीं है सड़क के बारे में? बहुत बताया गया, अभी नहीं करता है घूरने फिरने के लिए कभी तो। अच्छा, कभी अभी तक जीत के गया है तो हम देखबे नहीं किए हैं। आपका घर कहाँ हुआ? कटरमाला हुआ। तो क्या लगता है ये सड़क बननी नहीं चाहिए? बनने नहीं चाहिए, बनने आता नहीं देखने के लिए, करता नहीं कोई है नहीं, कोई करने के लिए नहीं करता है, कोई आदमी पीछा नहीं करता है, कोई कहता बनने नहीं देंगे, कोई कहता बनने देंगे, फिर करेगा कोई, तैयार होगा बनाने के लिए तब तो बनने देगा कोई। अच्छा, फंड ही नहीं आता है क्या? फंड भी नहीं आता है, घूर कोई करने भी नहीं देता है, आगे कच्ची है पलट देता है कभी, वो भी ठीक नहीं है। यहाँ गड्ढा 3-3 फुट 6-6 फुट का है, सुबह भी 600-900 गाड़ी फंस गया, गाड़ी खाद भी इसमें फंस गया, नहीं जा पाया घर, यहाँ पर उतार कर रखे 3 दिन पन्नी पर, यहाँ पे गल गया। हाँ, 13 बोरा यहाँ पर गल गया है झांट में। ये नुकसान कौन देगा? कहाँ पर रहेगा, कैसे सहेगा, कैसे किसान जिएगा, कैसे दुकान चलेगा, 1-2 रुपया पर काम चलता है। तो ये आप देख रहे हैं कि बखरी विधानसभा का ये क्षेत्र है और ये सड़क कटरमाला से बेगूसराय के लिए मुख्य मार्ग में आता है। यहाँ पे जो यात्री आ रहे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि ये सड़क बननी चाहिए या नहीं। क्या ये रसरक
एकदम बननी चाहिए, बहुत प्रॉब्लम होता है खास करके बारिश के मौसम में। बारिश के मौसम में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम होता है। और ऐसे भी तो प्रॉब्लम है, सड़कें हैं तो बननी चाहिए एकदम, बहुत देख रहे हैं बहुत कंपल्सरी है बनना ये सड़क। कम से कम 4-5 साल से देख रहा हूँ, साल से 5-6 साल से आप देख पा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये सड़क मुख्य मार्ग है कटरमाला बेगूसराय का? एकदम बहुत जरूरी है, हम लोग कॉलेज जाते हैं जाते आते हैं 2-3 महीना पे। क्या नाम? तो प्रॉब्लम होता है, मेरा विकास कुमार नाम हुआ, घर कल्याणपुर। तो आप भी इसी विधानसभा में आते हैं? हाँ, बखरी विधानसभा में। कौन है विधायक आपके? उपेंद्र पासवान। किस पार्टी से हैं? बीजेपी से? नहीं याद है अभी, बीजेपी से ही होगा। तो उनसे कभी मुलाकात नहीं होती? नहीं। क्यों, कभी क्षेत्र में नहीं आते? आते हैं कभी, मुलाकात नहीं करते हैं। मुलाकात नहीं होती है। सड़क बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? ये सड़क बननी चाहिए या नहीं? जी बननी चाहिए। ये कटरमाला को बेगूसराय से जोड़ती है और तमाम गांव के लोग यहां से इस रास्ते से गुजरते हैं और ये सड़क 10 बरस से लगभग ज्यादा दिनों से नहीं बना है। क्या लगता है, बनना नहीं चाहिए? बनना चाहिए। ये देखिए कि आप सामने देखिए कि बस आ रही है और ये आज 1-2 दिन से बसें का परिचालन अब शुरू हो चुका है और बस किस अवस्था से आएगी हम आपको वो दिखाएंगे कि ये गड्ढा है और गड्ढे में कैसे बस उतरेंगे। आप देखिए, आप देखिए बस कैसे गड्ढे में उतर पा रही है। देखिए ये स्थिति है, बगल में पेड़ है और पेड़ से टकराने का भी डर है। अब देखिए ये स्थिति, ये देखिए, ये कटरमाला बेगूसराय का पथ। कब से सड़क ऐसा है? बनवे ने किया है सर, एक बार बना था बहुत दिन पहले, उसके बाद बनवे ने किया है। कितना साल हो गया कम से कम? हाँ, 15 साल से ऊपर हो गया है। 15 साल हो गया जी। ये सड़क बननी चाहिए कि नहीं? जी जी, मुख्य मार्ग है ना कटरमाला बेगूसराय। जी जी जी, इसको बनना चाहिए ना जी। आप लोगों को कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होता है। कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं आप लोग? बहुत मुश्किलों का सामना, कोई ध्यान नहीं दे रहा, फंस जाता है इसमें तो रात भर यहीं रहना पड़ता है। रात भर यहीं रहना जी पड़ता है। क्या करेंगे सर? चलिए, तो ये देख रहे हैं कि ड्राइवर जो हैं यहाँ के, वो क्या बता रहे हैं कि रात भर गाड़ी फंसने पर रात भर उन्हें इसी सड़कों में रात गुजारनी पड़ती है। क्या लगता है, ये सड़क बननी चाहिए? हाँ बननी चाहिए। परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। कोई ध्यान नहीं देते यहाँ के नेता? कोई नहीं, कोई ध्यान नहीं देते कुछ नहीं। तो आप लोग बोलते नहीं हैं? बोलते हैं, किनको जाके बोलते हैं? तो कौन है विधायक आपके? राम विलास। पूरा नाम बताइए। राम विलास पासवान। श्री राम विलास पासवान। कौन पार्टी से हैं? पता नहीं कौन पार्टी से, नहीं पार्टी से ये पता नहीं। तो ये स्थिति आप देख रहे हैं कि सड़क की स्थिति है, लोग विधायक के क्रियाकलाप से बेहद नाराज हैं और उनका कहना है कि ये सड़क बननी चाहिए। ये सड़क बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? हाँ जरूर बननी चाहिए। बननी चाहिए जरूर। ये कटरमाला से बेगूसराय को जोड़ती है जी। कई सारे गांव के लोग इस पथ का उपयोग करते हैं, कई व्यापारी हैं जिनका बिजनेस भी चलता होगा, तो सारे लोगों को परेशानी हो रही है ना? सारे लोगों को परेशानी है और 100% परेशानी है। यहाँ से थोड़ा भी बारिश हो जाता है तो सारे आदमी को बहुत ज़्यादा कष्ट हो जाता है और गाड़ी घोड़ा को जाने में तो दिक्कत है ही है। कहाँ गाड़ी एक्सीडेंट कर जाएगा, कहाँ क्या हो जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है इस रोड में। तो आपको कभी मतलब ऐसा हुआ है कि आप एक्सीडेंट होते होते बचे हों? जी हाँ, बहुत बार। बहुत बार? जी हाँ, जब जब बारिश पड़ता है तब तब दिक्कत हो जाती है, जहाँ जहाँ गड्ढा है साइड में। एक बार तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से ये कहना चाहेंगे कि इसको जितना जल्दी हो सके इसको बनवा दिया जाए, जो सारे ग्रामीण जितना भी पंचायत है यहाँ पे सारे आदमी कष्ट में हैं, इसको कंप्लीट करके इसको जल्द से जल्द इसका कार्रवाई किया जाए इस पर। ये देखिए यहाँ पे यात्री हैं, ये लोग आ रहे हैं जा रहे हैं इस सड़क से। ये सड़क इतना टूटा हुआ है,
कभी महसूस करते हैं कि इसको बनना भी चाहिए? यस, जरूर बनना चाहिए। तो इसके लिए कभी कोई उपाय सोचा? हम क्या उपाय करें, वो विधायक लोग से बात होती है आप? नहीं, हमारे लोग, हम लोगों तो ये सड़क कितना जर्जर, आप कितने सालों से देख रहे हैं? लगभग हम बचपन से ही देख रहे हैं ये सड़क ऐसी अवस्था में। हाँ, ऐसी अवस्था में। पहले बात जी, 20 साल से पहले रोड बन लो, यहाँ से बन ले कर वो रोड बनता ही नहीं है ना। बनना चाहिए ना। हाँ, बनते रहते कना लग जाए, बीच में कितना गड्ढा है चारों। ये देखिए कि दूध लेकर के ये निकल रहे हैं, हमको लगता है कि दूध समिति चलाते हैं। आपका तो आना जाना लगभग होता होगा इन सड़कों से? हाँ, दोनों। इस सड़क की स्थिति से आप कितना संतुष्ट हैं? कुछ नहीं है तो संतुष्ट का क्या मतलब है, इसमें कुछ है ये नहीं है, इसको कोई देखने वाला है ये नहीं है। तो अब विधायक जी आपके काम नहीं करते? कहाँ काम करते हैं, काम करता तो ये होता नहीं अभी तक। कौन है विधायक आपके? वो तो है ये पासवान जी, जो है क्या उपिंदर पासवान है शायद, उपिंदर पासवान जी हैं। किस पार्टी से हैं वो? वो राजद से हैं शायद। राजद से शायद। तो वो ये सड़क कब से देख रहे हैं इस अवस्था? ये तो बहुत दिन से है, ये तो लगभग 10-15 साल से इसी तरह चल रहा है। 20 साल से इसी देख रहा है। वही तो दुर्घटना भी तो होती होगी। हाँ, होता है, तो दुर्घटना होते रहता है कि रोज ऐसा कंडम इस जिला में कहीं नहीं है। ये बहुत स्थिति दयनीय बहुत। हाँ, ये बखरी विधानसभा है। बखरी विधानसभा है ये। तो ये आप देख रहे हैं कि बखरी विधानसभा का ये सड़क जो कटरमाला से बेगूसराय को जोड़ती है, वो सड़क की स्थिति इतनी जर्जर है। इस्फा पुल का संपर्क पथ है और इतना एक तरीके से मानिए तो बहुत ज़रूरी का सड़क है, और इससे हजारों की आबादी इस सड़क से चलने का काम करती हैं और कई लोगों का व्यापार भी प्रभावित होता है। आए दिन घटनाएं यहाँ पे दुर्घटनाएं होते रहती है, जिसका खामियाजा इस सड़क से जुड़े हुए गांव के वासी हो जाया करते हैं। स्थानीय पुलिस प्रशासन हो या स्थानीय विधायक हो, अभी तक इस सड़क के प्रति काफ़ी उदासीन हैं। कभी भी सोच में भी नहीं आती कि यह सड़क को बनाया जाए। यहाँ के लोग काफ़ी क्षुब्ध हैं और आने जाने वाले लोगों से हमारी बातचीत हो रही है, और आपको मैं हर लोगों की प्रतिक्रिया भी दिखाते जा रहा हूँ कि ये जे देख रहे हैं आप सड़क की स्थिति, कि सड़क बहुत जर्जर है, लोग बोल नहीं पा रहे हैं, कह रहे हैं कि सड़क बननी चाहिए, लेकिन सड़क क्यों बननी चाहिए इस पर समस्या खड़ा है। समस्या स्थानीय विधायक के प्रति काफ़ी नाराज़गी है लोगों में, लोग विधायक के कार्यकाल से संतुष्ट बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं। रही बात कटरमाला बेगूसराय पथ की, तो इस पथ को बनना बेहद ज़रूरी है, और ये एक ऐसा पथ है जो जिले से कटरमाला को जोड़ती है। सर, ये सड़क बननी चाहिए? जी, बननी चाहिए, ये सड़क बननी चाहिए जी। तो आपको क्या लगता है कि कब से ये देख रहे हैं ये सड़क टूटा हुआ? ये 3-4 साल 5 साल 10 साल से ऐसे देख रहा हूँ। 10 बरस से ऐसा ही है? एक बार बना था ये, फिर 2-4 महीने में ही ऐसा हो गया झंझट।